News 18, India. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार आईएसआईएस से पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी ने एनआईए को बताया है कि वो देश भर में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने हमले के लिए कुछ खास जगहों की रेकी की थी। यही नहीं, आरोपी मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से लड़कों को भर्ती कर रहा था। आरोपी मोहम्मद जोहेब सीधे सीरिया में बैठे लोगों को साथ में संपर्क में था। एनआईए ने उसके घर से जिहाद से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए हैं। अब एनआईए ये पता करने में जुटी हुई है कि मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। पिछले 6 महीने में एनआईए ने महाराष्ट्र में आईएसआईएस का दूसरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और चौंकाने वाली जानकारियां पूछताछ में सामने आई है। और इसके पहले आरोपी मोहम्मद जोहेब को एनआईए ने छत्रपति संभाजी नगर मॉड्यूल केस के मामले में गिरफ्तार किया था। एनआईए की कई टीमों ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस से जुड़े इस मामले में महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए को यह जानकारी मिली थी कि संभाजी नगर मॉड्यूल और इसके नेटवर्क से जो जुड़े हुए संदिग्ध लोग हैं कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और इमारतों को ये निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। और जानकारी यही मिल रही है कि पकड़े गए आरोपी के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रतिबंधित साहित्य, साथ ही इस्लामिक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, एनआईए ने छत्रपति संभाजी नगर मॉड्यूल केस के मामले में अब गिरफ्तारी की है। एनआईए की कई टीमों ने आईएसआईएस मॉड्यूल केस से जुड़े हुए ये जो पूरा मामला है इसमें महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी की है। टीम पहुंची और कई संदिग्ध चीजें यहां से बरामद की गई है। देखिए, आपको बताया कि एनआईए को इस तरह की जानकारी मिली थी कि जो संभाजी नगर मॉड्यूल है इसका नेटवर्क है, इसी से जुड़े बहुत से संदिग्ध लोग हैं जो कि कई प्रतिष्ठित जगहों पर और साथ ही इमारतों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। और बस जैसे ही ये इनपुट मिला उसी के बाद ये ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और आरोपी जो पकड़ा गया, तस्वीर उसकी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोहम्मद जोहेब खान, इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिला, बहुत से प्रतिबंधित साहित्य भी इसके पास से मिले और जब छापेमारी की गई तो वहां से इस्लामिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो बहुत नापाक मंसूबे जिनकी जानकारी एनआईए को मिली थी, बस उसी के बाद ये छापेमारी की गई है। बताया यही जा रहा है, तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं, ये शख्स सीरिया में बैठे हुए अपने आकाओं से भी बातचीत कर रहा था, डायरेक्ट उनके संपर्क में ये था और कई संदिग्ध चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं। अब आगे की जांच जब की जाएगी तो शायद कुछ और बड़ा पर्दाफाश हो सकता है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। कई जगहों पर जाकर इस शख्स ने रेकी की थी। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, ये मोहम्मद जोहेब जिससे पूछताछ हुई, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, कई खुलासे हुए हैं और लोगों तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल जी जसप्रीत, आपने देखी जो मोहम्मद जोहेब है वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। और आपको बताना चाहिए कि एनआईए की एक बड़ी टीम ने कल संभाजी नगर में तकरीबन 9 जगह पर छापेमारी की थी और इन 9 जगह पर यहाँ पे जो मेन आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआईएस के हैंडलर है और बताया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में कई वाइटल इंस्टॉलेशन पर अटैक करने की प्लानिंग कर चुका था। और इसी के जरिए जैसे एनआईए को सूचना लगी, उन्होंने मुंबई टीम के साथ साथ जो दिल्ली की टीम है वो भी यहाँ पे आई थी और छत्रपति संभाजी नगर में 9 जगह पर छापेमारी की है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो मोहम्मद जोहेब है जिससे गिरफ्तार किया गया है वो ना सिर्फ आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था बल्कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जो लड़के थे उन्हें बहला फुसला कर आईएसआईएस में शामिल करने की भी तैयारी कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोगों के साथ संपर्क में था और वो लोगों से मिलता भी था। कहाँ मिलता था इसकी जानकारी एनआईए ने नहीं दी है, लेकिन उसके सारे जो लैपटॉप हैं, गैजेट्स हैं और जो मोबाइल फोन हैं उनकी जांच अब एनआईए कर रही है कि आखिरकार जो मोहम्मद जोहेब है वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों के साथ संपर्क में था, महाराष्ट्र के अलावा वो दूसरे राज्यों में और किन लोगों के साथ संपर्क में था। इसमें एनआईए का कहना है कि अभी ये जांच की शुरुआत है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये शख्स जो कि रेकी कर रहा था वो क्या सिर्फ मुंबई में ही कर रहा था या बाहर भी रेकी की गई थी? आतंकी हमला क्या महाराष्ट्र और मुंबई में करने की प्लानिंग थी या पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी वारदात की प्लानिंग की गई थी?
जसमीत, देखिए इस पूरे मामले में एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला है, तो उसमें ज्यादा डिटेल वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में कई जगह पर मोहम्मद जोहेब उनके निशाने पर था। मोहम्मद जोहेब ने बकायदा वाइटल इंस्टॉलेशन जहां पे थे वो वहां पे कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से एनआईए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो भर्ती भी कर रहा था, आईएसआई आतंकी संगठन के लड़कों की भर्ती भी कर रहा था, इसलिए वो महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरे राज्य है वहां पर भी कई लोगों के साथ संपर्क में था। इसलिए एनआईए का मानना है कि जो वो हमला करने की साजिश रच रहा था वो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों और दूसरे बड़े शहरों में भी इसकी पूरी प्लानिंग कर रहा था। यही वजह है कि एनआईए ने जब उसे गिरफ्तार किया था तो उसके घर से काफी ज्यादा जो सेंसिटिव और जो भड़काऊ लिटरेचर होता है उसे भी बरामद किया है, काफी डिवाइस बरामद किए हैं। आज मोहम्मद जोहेब ठीक है विवेक, तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, शुक्रिया। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। हफ्ते भर पहले आतंकवादियों ने पंजाब के रहने वाले दो लोगों पर गोलियां बरसाई। इस गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक आदमी की जान चली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को एक नाले में फेंक दिया था, जिसकी तलाश में श्रीनगर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो नाले में आतंकी के फोन की तलाश जारी है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। जो आतंकी घटना होती है हफ्ते भर पहले, उसमें जो आरोपी पकड़ा जाता है वो अपने फोन को नाले में फेंक देता है, इसी में अब ये सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। नाले से यहां पर सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है नाले में, ताकि फोन को यहां पर जब्त किया जा सके और जो अहम जानकारियां अहम सुराग फोन से मिल सकते हैं उसके बाद कई खुलासे होंगे। तो अमृतपाल सिंह के नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, हमने पिछले हफ्ते देखा था, जो आतंकी वारदात होती है, और ऐसे में जब आतंकी घटना का राज तब खुल पाएगा जब फोन मिलेगा। ऐसे में फोन की तलाश तेज हो चुकी है, पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, नाले में आतंकी के फोन की तलाश जारी है। और एक हफ्ते पहले आतंकी ने नाले में ये फोन फेंका हुआ था। मुख्य आरोपी आदिल मंजूर को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को नाले में फेंक दिया था। अब बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त श्रीनगर में चल रहा है, तो सुरक्षा के लिहाज से वैसे भी श्रीनगर बड़ा संवेदनशील इलाका है। ऐसे में हमने देखा था कि कुछ सालों तक आतंकी घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन फिर से आतंकी एक्टिव हो गए हैं। और इसमें जो पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, हमने देखा था किस तरीके से गोलियों से छलनी किया गया था, उसमें एक आतंकी पकड़ा जाता है लेकिन उसने फोन को फेंक दिया था, उसी की तलाश जारी है। अब देखिए फोन की तलाश इस वक्त की जा रही है, क्योंकि बड़ा एविडेंस इस वक्त यही है। पुलिस और सुरक्षा बल दोनों श्रीनगर के अलीजन रोड इलाके के पास अभी उसी मोबाइल फोन को ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जांच एजेंसियों ने दावा यही किया है कि इसी फोन के जरिए, जिसकी तलाश अभी की जा रही है ना, इसी फोन के जरिए आतंकी को पाकिस्तान से ऑर्डर मिलता था, और यही वजह है कि पुलिस और सुरक्षा बल उसके मोबाइल फोन को ढूंढने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अपनी जरा तस्वीर आप देख लीजिए, कैसे अलग अलग टीमें इस वक्त लगी हुई है। सुरक्षा बल के हत्थे चढ़े आदिल मंजूर लंगू नाम के आतंकी ने जब पूछताछ हुई तो ये बताया कि जिस मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान से ऑर्डर उसे मिलते थे वो उसने पकड़े जाने के पहले ही पानी में फेंक दिया था। अब आप समझिए, अगर आतंकी पानी में नाले के पानी में मोबाइल को फेंक रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें एविडेंस वो बड़ा है, और इसके अलावा कई और खुफिया दस्तावेज भी पानी में बहा दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है मोबाइल फोन के लिए भी, इसके अलावा बहुत से खुफिया दस्तावेज भी यहाँ पर फेंके गए हैं। इसी के बाद सुरक्षा बल और पुलिस की एक बड़ी टीम नाले में अभी फोन को ढूंढ रही है, उसे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं।